कार्जिनी एहतशाम इज़ हेयर और आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया एपिसोड। और ये जो एपिसोड है ये आज एक कार फॉर सेल का रिव्यू, कार फॉर सेल का एक एपिसोड है। इसमें आज जो गाड़ी हमारे साथ है ये BMW X1 है, जो उसके 2017 इनवॉइस है, 2017 प्रोडक्शन है और पाकिस्तान में जो है 2018 में ये इंपोर्ट एंड रजिस्टर्ड हुई है। रीज़न बिंग, जैसा कि जो लोग दीवान से गाड़ियां लेते हैं, BMW रखते हैं, उनको पता है कि अगर आप जुलाई के बाद बुकिंग आप करवाते हैं तो गाड़ी जो आपको वो नेक्स्ट ईयर में जाके मिलती है, लेकिन उसका मैनुफैक्चरिंग ईयर जो होता है वो पिछला होता है, जो कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल भी एक रेज हुआ था BMW के हवाले से। बट एनी वे, दैट इज़ इट हाउ इट वर्क्स इन पाकिस्तान। तो ये एक गाड़ी है जिसको कि आप 2017-2018 कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड जनरेशन BMW है ये जो मेरे साथ आप इस वक्त देख रहे हैं, और ये 2015 से लेके आज 2020 तक करंट शेप यही जा रही है। तो ये अलबत्ता जो गाड़ी जो है 2017-2018 है। तो ये गाड़ी टोटल बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, सिर्फ जो मैंने इसके लेफ्ट बम्पर का जो अगला कॉर्नर है वहाँ पे थोड़े स्क्रैचेस थे, वो मैंने टचअप करवाए थे, बाकी पूरी गाड़ी जो है वो बम्पर टू बम्पर जेन्युइन और पूरी की पूरी विद द हिस्ट्री है गाड़ी सारी की सारी। और सेकेंडली ये कि हम इसका अभी देखते हैं इसके अंदर के इसकी साइड पे एक गो अराउंड विज़िट लेंगे इस गाड़ी का, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है। आ जाए तो जैसे कि हम देख रहे हैं गाड़ी इंतहाई नीट एंड क्लीन कंडीशन में है, और गाड़ी जो है वो पैनोरामिक सनरूफ के साथ है। ये एक तरह से ऑलमोस्ट फुल ऑप्शन वेरिएंट बनता है, क्योंकि इसमें बेज इंटीरियर भी है, वुडन ट्रिम भी है और पैनोरामिक सनरूफ भी है। बाकी ये कि इसमें ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा थे इस गाड़ी के अंदर जिस वक्त ये आई थी, तो अगर उस वक्त इस गाड़ी को तमाम ऑप्शंस के साथ लिया जाता तो ऑलमोस्ट 8 मिलियन यानी 80 लाख रुपए की इनवॉइस जो थी इस गाड़ी की बनती थी। तो बैक पर जो है LED स्वैप्स टेल लाइट्स हैं इस गाड़ी की, और आप देखें कि किसी किस्म का गाड़ी पर कोई स्क्रैच, कोई बम्पर, कोई डेंट, कोई चीज़ नहीं है गाड़ी के ऊपर। तो ये गाड़ी का हम एक राउंड ट्रिप ले रहे हैं अभी। एस ड्राइव 18i जो है वो इसका मॉडल नेम है इस गाड़ी का, और जो भाई इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर दिया हुआ आ रहा होगा, वहाँ पे भी मेरा नंबर है और मैं बोल भी दूंगा। अभी हम गाड़ी के अंदर का रिव्यू लेते हैं, तो अंदर चलते हैं अभी। जी तो गाइस वेलकम बैक। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम गाड़ी के अंदर इंटीरियर पर मौजूद हैं। इस गाड़ी में जो काबिले जिक्र चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी के परचेजर्स हैं उनके लिए हो सकती है, एक तो ये कि ये ऑलमोस्ट फुल ऑप्शन गाड़ी है। 4 स्पीकर्स हैं इसके अंदर BMW के, बहुत ही शानदार इसका साउंड सिस्टम है। इंटीरियर जो है वो सारे के सारे अपनी ओरिजिनल हालत में बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है, और जो चीज़ें आपके लिए पॉइंट टू बी नोटेड होंगी जो लोग इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं, एक तो ये कि गाड़ी के अंदर वुडन ट्रिम्स जो हैं वो लगे हुए हैं, वुडन पैनल्स यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर भी है और यहाँ साइड्स के ऊपर भी है। पूरी गाड़ी बेज इंटीरियर के अंदर है। सीट्स अलबत्ता गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सीट्स इस गाड़ी की जो है वो सिंपल मैनुअली टू बी हैंडल्ड हैं। 8 एयरबैग्स गाड़ी के अंदर लगे हुए। CD प्लेयर नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है वो दे दी गई है, और साथ में क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनर भी मौजूद है जो कि इन गाड़ियों में स्टैंडर्ड आया हुआ था। और इसका ये 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है गाड़ी, और टॉप ऑफ दैट ये कि इसके अंदर ये पैनोरामिक सनरूफ के साथ है। तो अभी हम इसका पैनोरामिक सनरूफ खोल के आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, ठीक है जी, इट्स ऑल इन वर्किंग कंडीशन। अब हम इसका ऊपर से इसका ग्लास रिमूव कर देते, ओके। तो हैविंग सेड दिस के ये पैनोरामिक रूफ ऑप्शन है इस गाड़ी का, थोड़ी सी इसकी सफाई होने वाली है इसके सनरूफ की, मैंने अभी तक गाड़ी को सर्विस नहीं करवाया। ये एज़ इट इज़ जिस हालत में मैंने बाइक की अभी तक ये उसी हालत में है, मैंने अभी तक गाड़ी के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं करवाया। इसने अभी जाना है डिटेलिंग पे जाएगी, ग्लास कोटिंग पे जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी सारी गाड़ियाँ जो होती हैं वो डिटेल्ड और ग्लास कोट होकर मैं अपने कस्टमर्स को सेल आउट करता हूँ। और जी इसमें जो एक और चीज़ थी जो कि ऑप्शनल थी इसमें लगी हुई है, क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर मौजूद है स्टेयरिंग के ऊपर, साउंड सिस्टम का कंट्रोल और टेलीफोन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है वो इसके अंदर मौजूद है गाड़ी के अंदर। और मिरर्स जो हैं वो इसके ऑटोमेटिक आप अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है। बाकी गाड़ी के अंदर सारे ऑप्शंस कंप्लीट हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं। और अंदर स्टेपनी जो है वो ब्रांड न्यू अनटच बिल्कुल मौजूद है गाड़ी के अंदर,
तो गाड़ी की प्राइस जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 03-11-46-444-70 पर। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 03-11-46-444-70 मेरा नंबर है। ये मैंने स्क्रीन के नीचे दे भी दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमेशा आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ जो है वो आपको मिलती रहें। जो लोग गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मेरा सेम नंबर है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।